अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हराम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज हम इफ्तार स्पेशल में फालसे का जूस बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। आजकल गर्मी है तो इफ्तारी में दिल करता है कुछ रिफ्रेशिंग यानी कि पिया जाए, तो हमने सोचा आज फालसे का जूस बनाते हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव के करीब फालसे लिए, इन्हें हमने धो लिया था, फ्रीज़ किया हुआ था इन्हें हमने, तो इन्हें हम जग में डालेंगे। इसके अंदर हम हाफ जग से थोड़ा कम पानी डालेंगे, बाद में हम इसके अंदर और पानी यानी कि ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम इतना डालेंगे ताकि ब्लेंडर जो है अच्छे से चल जाए, फालसे जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। 1/4 कप चीनी डालेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। कवर करेंगे और इनको मिक्स। इसे हमने ब्लेंड कर लिया, अब इसे एक दफा छान लेंगे। अच्छे से हिलाएंगे ताकि अच्छे से ये छन जाए और इसका पल्प जो है इस छालनी में रह जाए। ये हमने अच्छे से छान लिया, इस पल्प को दोबारा जग में डालेंगे। जग के अंदर फिर से पानी डालेंगे, एक चौथाई कप के करीब इसके अंदर रूअफज़ा डालेंगे। उससे क्या होगा कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी इसका अच्छा हो जाएगा। फिर से कवर करेंगे और मिक्स करेंगे। ये ब्लेंड हो गया, जग को उतार लेंगे और इसे फिर से छान लेंगे। ये देखें, फालसे का पल्प था वो सारा निकल गया और ये बीज और जो है छिलके वगैरह ये रह गए। इसके अंदर थोड़ा सा रूअफज़ा और डालेंगे, हमें कलर जो है वो कम लग रहा है, तो कलर इसका थोड़ा और अच्छा हो जाए इसलिए हम थोड़ा रूअफज़ा और डाल रहे हैं। आपको जितना कलर पसंद है आप उतना रूअफज़ा डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसके अंदर ब्लैक नमक जो होता है, काला नमक, वो भी डाल के पीना पसंद करते हैं। अगर आप वो पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं डाला जाता तो मैं नहीं डालूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसे जग के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हम जो है इफ्तार से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले बना रहे हैं, तो इसे फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो और इतना टाइम ना हो कि फ्रीजर के अंदर आप इसको ठंडा करें, तो फिर आप इसके अंदर बर्फ यूज कर सकते हैं। आप बर्फ डाल के इसको ब्लेंड कर लें और अच्छे से यानी कि इसको छान लें तो ठंडा हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये बनता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।